इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के शमशाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। लोन न चुकाने पर संपत्ति को कब्जे में लिया है। देवेंद्र नाम के व्यक्ति पर 32 लाख का कर्जा था। फर्नीचर का व्यवसाय वो करता था देव, जिसके बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। शमशाबाद के क्षत्रिय कॉलोनी का ये पूरा मामला। आगरा में बिना पंजीकरण के अस्पताल नहीं चलेंगे। निरंतर अभियान चलाकर गैर पंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजीकरण नवीनीकरण कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अब तक 60 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं। कागजात पूरे और सही होने पर ही नवीनीकरण होगा। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी। पंजीकृत अस्पताल द्वारा भी मरीज के साथ इलाज में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। यमुना पार स्थित रॉयल अस्पताल को सीज कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है। इस बार हम लोग को दिशा निर्देश मिला है कि 50 बेड से ऊपर और 50 बेड से नीचे हमको रजिस्ट्रेशन करना था। 50 बेड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी उसके द्वारा किया जाना है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य करते हुए और ख़ासतौर से बायोमेडिकल वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने भौतिक रूप से सत्यापन करना आरम्भ किया है। इसमें देखते ज़्यादा से ज़्यादा हम हॉस्पिटलों का इस समय विजिट कर रहे हैं और साथ में इस तरह के भी चिकित्सालयों को चिन्हित करते जा रहे हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई इशू है। आगरा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बैडमिंटन प्रतियोगिता आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 30 जून से 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें सुबह के 500 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। 19 और ओपन वर्ग में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में 20 से ज्यादा क्वालिफाइड रेफरी शामिल होंगे। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालीवाल ने बताया कि 700 से अधिक मैच खेले जाएंगे। ईस्ट जोन चयन प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। बिना लवानिया ने घोषणा की है कि अब ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। उक्त प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये टूर्नामेंट, जैसा कि आपको बताया गया, 30 जून को इसका ओपनिंग सेरेमनी है और 3 को तक ये चलेगा। 3 जुलाई ये स्टेट टूर्नामेंट है तो ऑल ओवर स्टेट से आएंगे संभावित। अभी हम संख्या कुछ अगर समझें तो 400-500 के आसपास बच्चे इसमें भाग लेंगे। देखिए, इसमें ये ईस्ट जोन टूर्नामेंट है और ईस्ट जोन टूर्नामेंट का मतलब जो स्टेट ऑफ यूपी का ईस्ट एरिया है वहाँ के सभी प्रतिभागी जो अंडर 19 हैं और सीनियर्स हैं सभी इसमें प्रतिभाग करेंगे। ये डिपेंड करता है कि किसकी एंट्री आती किसकी नहीं आती, तो इसलिए निश्चित संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ उसके जो लोग आएंगे वो खेलेंगे और उसमें फिर टीम सिलेक्शन होगा स्टेट ऑफ यूपी का, जो टीम नेशनल खेलने जाएगी। तो ये उद्देश्य इस टूर्नामेंट का है कि हम टीम सिलेक्शन करें। बलरामपुर में 10,000 रुपए के नामी अपराधी को पकड़ने में बलरामपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 2 साल से विभिन्न धाराओं में आरोपी फरार चल रहा था। पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में पंजीकृत आरोपी है। हरैया सतघरवा थाना क्षेत्र की टीम को यह सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। गिरोह के 3 सदस्यों को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूट के 10 मोबाइल और एक बाइक भी बरामद हुई है। मुंबई में हत्या और लूट के आरोप में एक अभियुक्त पहले ही जेल जा चुका है। बलरामपुर नगर कोतवाली और एसओजी टीम को यह सफलता मिली। देखिए, आज हम लोगों ने मोबाइल छीनने वाले एक गिरोह का अनावरण किया है। इसमें से ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं, इनके विवरण आपको बताया गया है। ये अपराधी राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे और इनसे करीब 2.5 से 3 लाख मूल्य के 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये
इस ये पहले मुंबई में इस प्रकार की घटनाएं किया करते थे। बुलंदशहर में पुलिस द्वारा 3 किलोग्राम गांजा सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। थाना ककोड़ पुलिस द्वारा कुटवाया रोड पर बालमेला नुमाइश झाझा क्षेत्र से एक अभियुक्त को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ कर रक्तदान किया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अमर उजाला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला चिकित्सालय बुलंदशहर में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। एसएसपी श्लोक कुमार ने आमजन से रक्तदान की अपील की है, जो शिविर का शुभारंभ कर लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। भूवैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा को देखते हुए लग रहा है कि इस बार पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जहां 2017, 2018 और 2019 में एक माह के अंदर 4 से 5 लाख तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे थे, तो वहीं 2 वर्ष कोरोना के बाद शुरू हुई यात्रा इस बार सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक महीने में 7,50,000 से ज्यादा तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मिशन हील एनवायरमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम पेस पीपल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के अंतर्गत तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री ने दल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी हैं। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उसका उल्लेख किया था कि सभी धाम हमारे स्वच्छ होने चाहिए और ऐसे स्थान पर जो धार्मिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, धार्मिक अपने कामों के लिए आते हैं, उन सभी पर सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों ने आज इस गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा तक की यात्रा करने का जो है निर्णय लिया है, जिससे कि वो साफ़ सफाई के साथ साथ लोगों को जागृति का अभियान भी चलाएंगे और जो एक आचरण होता है यात्रा का, उस आचरण का भी सबका स्मरण करवाएंगे। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 2 बाइक सवारों की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना शमशाबाद क्षेत्र के ठंडी कुइयां का पूरा मामला। हरदोई में मध्य प्रदेश के अवैध देसी पिस्तलों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई लखनऊ के मथुआ मोड़ के पास एक गिरफ्तारी हुई। जनपद मऊ के रहने वाले युवक को एसटीएफ और कछौना पुलिस से गिरफ्तार किया। 5 देसी अवैध पिस्तल और 10 मैगजीन बरामद हुई है। मध्य प्रदेश से पिस्तल लाकर लखनऊ और अन्य जगहों पर यह बेचता था। शातिर के विरुद्ध पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत तब सच होती दिखाई दी जब हरदोई के अरवा थाना क्षेत्र के नन्ना गांव में पता नहीं कौन सी मजबूरी में एक मां ने अपनी कोख से जन्म देकर नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया। नवजात शिशु की किस्मत अच्छी थी कि उसके रोने की आवाज बाग में खेल रहे छोटे छोटे बच्चों ने सुनकर अपने घर में बताई। जानकारी मिलते ही महिला ने उसे जाकर देखा और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने शिशु की चिकित्सीय जाँच के बाद पूर्ण रूप से उसे स्वस्थ बताया है। प्रतापगढ़ में गैस एजेंसी पर धावा बोलकर बाइक सवार लोगों ने 2 युवकों से लाखों की लूट की है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के चौसा गांव के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री कैलाश पंत ने बैठकर भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही साथ कहा कि सरकार लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है और गाँव गाँव तक योजनाएं पहुँचाई जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी जो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके शासन के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इन 8 सालों में जिस प्रकार के उन्होंने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सुशासन के रूप में मना रही है। उसी के तहत रानीखेत में जो है युवा मोर्चा के माध्यम से मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है, जिससे लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने युवाओं के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, बेरोजगारों के लिए अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि वो लोन लेकर जिसमें किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं है उसमें अपने कारोबार को शुरू करें, कहीं पढ़ाई के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। रुद्रपुर इंटरलॉक कंपनी सिटकुल पंतनगर और कीछा में कार्यरत मजदूरों के बच्चे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, मजदूरों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं संग श्रम भवन रुद्रपुर में पहुंचे और यहां पर जोर शोर के साथ बाल पंचायत किया। बाल पंचायत को संबोधित करते हुए बच्चों ने कहा कि उत्तराखंड शासन द्वारा 30 मई को इंटरलॉक कंपनी की तालाबंदी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। नियमों के अनदेखी और वास्तविकता को छिपाकर सिद्धार्थनगर जिले में भी किसान सम्मान निधि लेने वालों की एक बड़ी तादाद निकलकर सामने आई। कृषि विभाग में मानक की अनदेखी कर किसान सम्मान निधि लेने वालों रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद योजना का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से अब तक करीब 15 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 करोड़ से ऊपर की रिकवरी सिद्धार्थनगर जिले से होनी है। अतिक्रमण से घिरे शेष 15 तालाबों को मुक्त करने के लिए प्रशासनिक अफसर गंभीर हो गए हैं। एसडीएम ने जल्द ही तालाबों को खोद कर जल संरक्षण के निर्देश दिए, कहा कि जल्द ही तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। हमारे इसमें जो है भूमिधरी से संबंधित मामले हैं और जो है तालाब का जो अतिक्रमण हटना है इससे संबंधित मामले हैं और भी हमारे कहीं प्रकरण है, उसके संबंध में संपूर्ण तहसील स्टाफ को बुलाया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि जो भी हमारे लंबित प्रकरण है वो जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण कर लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022।